Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry. और कल हमने आपको mesomeric बताया था. Mesomeric में आपको strength भी बताया था कि mesomeric के through, resonance के through कभी कभी carbocation से resonance के through electrons खींचा भी जाता है और कभी कभी रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देने का भी काम करता है. ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे एक कार्बोकेटाइन है, यहां एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इसको देने का काम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई. अगर यहां पर लगा हुआ है ये खींचने का काम करेगा, इसको बोलेंगे माइनस आई. अगर यहां कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, अब कोई ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है थ्रू रिजोनेंस, उसको बोलेंगे हम प्लस एम. अगर यहां कार्बोकेटाइन लगा हुआ है और कोई खींच रहा है, कोई ग्रुप लगा हुआ है थ्रू रिजोनेंस, तो इसको बोलेंगे माइनस एम. इस ग्रुप को हम बोलेंगे माइनस एम. ठीक है, यही हमने दो चीजें पढ़ा था. ओके, तो हमने इस चीज को कल बताया, पहले बता चुके हैं. कार्बोकेटाइन पे जब कोई ग्रुप देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो प्लस आई बोलेंगे, जब खींचेगा तो माइनस आई बोलेंगे. जब ग्रुप से रिजोनेंस के थ्रू खींचेगा या देगा, रिजोनेंस के थ्रू देगा तो प्लस एम बोलेंगे, और रिजोनेंस के थ्रू खींचेगा. ये कैसे समझ में आएगा खींच रहा है कि दे रहा है? तो कल मैंने प्लस आई और माइनस आई लिखवाया था. अगर वो ग्रुप लगा होगा तो खींचेगा, और जो देने वाला ग्रुप होगा वो देगा. ठीक है, ये देगा तो ये हेल्प होगा, स्टेबल होगा. ये देगा तो स्टेबल होगा, ये परेशान हो जाएगा, ये भी परेशान होगा. अगर ये कंडीशन होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, रिजोनेंस के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव होता है. अगर रिजोनेंस के थ्रू उसको हेल्प कर रहा है, तो उसको हेल्प करना एक रिजोनेंस के थ्रू हेल्प कर रहा है और एक इंडक्टिव के थ्रू हेल्प कर रहा है, तो रिजोनेंस के थ्रू ज्यादा हेल्प माना जाएगा, अच्छे से हेल्प माना जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं. तो मैं तुम्हें कल पढ़ा रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बराबर है? तो हमारा हेडिंग होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो हम कल आपको बताया था हमने. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, कार्बोकेटाइन का हमें क्या पढ़ना है? स्टेबिलिटी. तो कल मैंने अलग अलग आपको कराया था, आज थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूं. तो आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के थ्रू ही हम समझेंगे कि किसमें कौन सा क्या कंसेप्ट लगाना होगा. तो कंसेप्ट हमें क्या क्या लगाना होगा वो हम, तो क्वेश्चन वन है, पीएच थ्री सी प्लस ए बी पीएच टू सी प्लस एच सी पीएच होल थ्राइस सी सी प्लस एच टू और डी पीएच सी प्लस एच टू. अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये आपको बताना. तो मैं आपको 10-15 प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाना है. ठीक है, और कैसे हमें कंसेप्ट को डील करना है, फिर हम कार्बोएनायन पे आएंगे. तो अब इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है और लीस्ट स्टेबल कौन है, एक सीक्वेंस बनाओ आप. मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल का एक सीक्वेंस तैयार करो. एक आंसर आया सोहम का, राइट है वो, मोस्ट स्टेबल. अब एक सीक्वेंस बनाओ आप. चलो देखते हैं कार्बोकेटाइन. पीएच, पीएच मतलब फिनाइल, पीएच मतलब होता है C6H5, बराबर है? और ये किसी से ऐसे जुड़ जाता है, ये इसका वैलेंसी फ्री रहता है, यहां हाइड्रोजन हट जाता है, यहां हाइड्रोजन रहता है,
लेकिन यहां वाला हाइड्रोजन वो किसी से अटैच होगा, फ्री वैलेंसी होगा, ये किसी से जुड़ेगा, वही C6H5 होता पीएच। तो यहां पर तीन पीएच है, तो ये एक वैलेंसी फ्री हो गया। हम यहां हाइड्रोजन को नहीं लिख रहे हैं, फ्री वैलेंसी को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, फिर यहां पर एक फ्री वैलेंसी है और ये पीएच हो गया, ये फ्री इसका वैलेंसी है। फिर यहां पर हम एक बनाएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, कार्बोकेटाइन है और इसमें दो ही पीएच है, एक पीएच हटा दिया गया है और उसके जगह पे हाइड्रोजन लाया गया है। तीसरा ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना हमें, पहले हम फोर्थ ऑप्शन को लिखते हैं, ये ए है, ये बी है और डी को मैं लिखता हूं पहले। तो डी में केवल एक ही पीएच है, बाकी दो हाइड्रोजन है और ये डी है। और हम सी को लिखते हैं, सी में कुछ ऐसा है, सी में कुछ ऐसा है, सी में कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इधर रिजोनेंस में होगा या नहीं होगा, डबल सिंगल डबल सॉरी डबल सिंगल और पॉजिटिव, ये रिजोनेंस में है ना, एक चीज मैंने कल सिखाया था तुम्हें, ऐसे डबल डबल सिंगल और पॉजिटिव रिजोनेंस में है। जब रिजोनेंस में है तो एक बार थोड़ा सा रिजोनेंस करवा के चेक भी कर लेते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा, और प्लस और माइनस में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो मुझे ये बताओ रिंग पे क्या आ गया, रिंग पे प्लस आ गया। रिंग पे प्लस क्यों आया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचा चला आ रहा है, किधर, इस केटायन की तरफ, तभी तो इधर प्लस हो गया, इसकी मतलब कमी हो गई। ये रिंग पे प्लस आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इधर फ्लो हो रहा है इसके तरफ। तो कुल मिला के हम ये बोल देंगे कि यहां पर रिजोनेंस हो रहा है, और रिजोनेंस होने के वजह से ये रिजोनेंस के थ्रू या मिजोमेरिक के थ्रू इसको हेल्प कर रहा है, यानी ये जो है इसके, ये जो है प्लस एम का काम करेगा, इसको देने का काम करेगा ये। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये रिजोनेंस यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ही उसकी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पर एटम कम होंगे और स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो यहां रिजोनेंस इधर भी होगा, इस रिंग में भी होगा और इस रिंग में भी होगा, यहां रिजोनेंस इस रिंग में होगा और इस रिंग में होगा, मतलब यहां डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो गया, यानी मोस्ट स्टेबल ए होगा, फिर बी होगा। यहां पर ये जो है एक ही में रिजोनेंस हो रहा है, उसके बाद डी होगा। अब बात करते हैं सी का, अब देखो कार्बोकेटाइन यहां है, बराबर है क्या, कार्बोकेटाइन यहां है, क्या ये डायरेक्टली इसके साथ रिजोनेंस में जाएगा क्या, डबल सिंगल सिंगल तब पॉजिटिव है, तो ये कार्बोकेटाइन इनके साथ रिजोनेंस में नहीं है, इसका मतलब यहां रिजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां प्लस आई दिखा रहा है, ये देने का काम करेगा, ये कार्बन जो देने का काम करता है ये प्लस आई दिखाएगा, देगा जरूर इसको लेकिन रिजोनेंस में नहीं है। तो यहां रिजोनेंस है और वो भी रिजोनेंस तीन रिंग में है, यहां भी रिजोनेंस है, डबल सिंगल और पॉजिटिव, डबल सिंगल और पॉजिटिव रिजोनेंस, डबल डबल सिंगल और पॉजिटिव रिजोनेंस, यहां भी रिजोनेंस है लेकिन ये यहां रिजोनेंस नहीं है, यहां रिजोनेंस नहीं है, यहां प्लस आई है, इंडक्टिव है, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, तो रिजोनेंस के आगे इंडक्टिव टिकता भी नहीं है, तो हम इसीलिए डी को पहले बोल रहे हैं और सी को लास्ट में बोलेंगे। तो मोस्ट स्टेबल जो हो जाएगा वो ए ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, ठीक है। बहुत जनों ने भेजा भी है, ओके सही है। तो हम एक एक कंसेप्ट करके चेक करते हैं, बराबर है क्या, तो चेक करेंगे। तो इसमें हम तुम्हें जेई के भी क्वेश्चन थोड़ा कराते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ये भी सीटी में तुम्हारा आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है सीटी का है, साथ में ये क्वेश्चन जो है बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ये बीएचयू का भी है, और ये वेस्ट बंगाल जेई में आया है 2009 में, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आया हुआ है 2009 में, WBJEE इसमें आया हुआ है, बरोबर है। अब हम एक यहाँ IIT के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, IIT के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये JEE 93 में आया हुआ है और साथ में एम्स में आया हुआ है, एम्स में ये 2007 में आया हुआ है। पहला है CH3, CH3, सेकेंड है CH3, CH और यहां है OCH3, थर्ड है CH3, CH, CO और CH3, ऑप्शन में है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और डी में है सेकेंड थर्ड फर्स्ट। आप इसको बताओ इसमें से आंसर कौन सा सही है। अहमद अली का आंसर आया अहमद अली, फिर से चेक करो। सोहम का आंसर सही आया, बाकी सबका गलत आ रहा है। प्रथमेश का गलत है, जेएस विवेक पाटिल का सही है, विवेक पाटिल का भी सही है। ये कौन है, अनुरुद्ध था ऐसे के, ये सही है। इसका आंसर जो करेक्ट है वो बी है, बी इज करेक्ट ऑप्शन बी। एक मिनट, वन मिनट, दर दर लिख दिया हूं क्या, 27 चेक करना पड़ेगा, वन मिनट। नहीं नहीं इसमें चेक करना पड़ेगा इसका आंसर, अभी चेक करते हैं, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है शायद। चलो चेक कर लेते हैं, CH3, C+ और यहां पर CH3 है, ये इसको देने का काम करेगा, ये प्लस आई कहलाएगा, बाद में इसको हम हाइपर कंजुगेशन भी बोल देंगे, अभी लेकिन प्लस आई मैं बोल रहा हूं, ये इसको प्लस आई से हेल्प करेगा। सेकेंड नंबर CH3, C+ और O है और CH3 है, ठीक है, अब ये क्या करेगा अभी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन CH3, C+ और C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है। अब यहां डबल सिंगल और ये रिजोनेंस में है, ठीक है, ये है रिजोनेंस में, ठीक है, और यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर ये लोन पेयर है, यहां पर है लोन पेयर, तो यहां पर अगर ये लोन पेयर डोनेट करता है तो ये सी चार बॉन्ड बन जाएगा इसका, और इस पे हो जाएगा प्लस और ये CH3, ये हो गया नाइट्रोजन,
इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, यहां रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल और पॉजिटिव यहां रिजोनेंस हो रहा है। चलो एक बार रिजोनेंस करवाते हैं, तो ये हो जाएगा डबल और ये हो जाएगा ओ माइनस और ये हो जाएगा सी एच थ्री, बरोबर है क्या। अब रिजोनेंस ये नहीं कि रिजोनेंस हमेशा हेल्प ही करेगा। अब देखो जब रिजोनेंस हुआ तो ये माइनस इधर गया है, इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। इसका रिजोनेंस होने का मतलब हर जगह बेनिफिट ही नहीं होगा। ये रिजोनेंस होने के बाद यहां डबल बॉन्ड बन गया और माइनस यहां आ गया, तो ये माइनस होने का मतलब ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है। अब ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, फिर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। तो कहने का मतलब है जब ये कंडीशन बन रहा है तो ये रिजोनेंस इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है, ये इस पे माइनस आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच के लाया है। एक तो परेशान था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचा जा रहा है, ये तो खींचने की वजह से ये और परेशानी बढ़ेगी इस पे। हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचा जा रहा है, यानी माइनस एम इसको बोल सकते हैं हम कि ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के ला रहा है। तो ये लगने की वजह से इसकी परेशानी और बढ़ जाएगी, बराबर है क्या। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा सेकेंड नंबर, क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग बन रहा है या रिजोनेंस बोल सकते हो। इसके बाद ए होगा, यानी ये वाला फर्स्ट वाला, और सबसे ये हो जाएगा खराब थर्ड नंबर वाला। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये शायद मिसप्रिंटिंग है इसमें। तो इसमें ध्यान देना इस चीज कि ये प्लस आई से दिया जा रहा है और यहां बैक बॉन्डिंग बन रहा है, यानी रिजोनेंस हो रहा है। आफ्टर बैक बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जरूर प्लस आ रहा है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने दो, ये स्टेबल माना जाएगा। लेकिन यहां पर माइनस आई दिखा रहा है, रिजोनेंस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है, इसकी परेशानी बढ़ेगी। तो बढ़ेगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो सेकेंड नंबर होगा, फिर फर्स्ट नंबर होगा, फिर थर्ड नंबर होगा। रिजोनेंस होने से हर जगह बेनिफिट ही नहीं होता है, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा हो उससे। तो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हर जगह रिजोनेंस होगा तो उस कार्बोकेटाइन को हेल्प ही करेगा। ये हर जगह इंडक्टिव होगा तो हेल्प नहीं। अब मान लो हर जगह इंडक्टिव है तो अगर ये खींचेगा तो इसको हेल्प थोड़े कर रहा है, तो परेशान कर रहा है इसको। तो हमें ये चीज देखना है कि रिजोनेंस होने का मतलब ये नहीं कि रिजोनेंस हो रहा है तो स्टेबल हो गया, रिजोनेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है कि दे रहा है, ये चीज देखना है हमें। तो अगर इस पे माइनस आ गया इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से खींच रहा है वो, और उसको परेशानी बढ़ा देगा। तो ये चीज तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। और यहां बैक बॉन्डिंग बन रहा है, बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसी में मैं कार्बोएनायन भी दे रहा हूं, बराबर है क्या। मैं कार्बोएनायन भी दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि कार्बोएनायन है माइनस वाला पार्ट। चलो क्वेश्चन ये है, ए बी सी मुझे सीक्वेंस बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। कार्बोएनायन के साथ साथ हम निगेटिव वाला पार्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज अगर आ गया तो हमें एसिडिक ऑर्डर भी हम निकाल लेंगे। कौन ज्यादा स्टेबल है, सिद्धांत। हाँ
सी क्या है, मोस्ट स्टेबल है, बरोबर है। सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं, सी के बाद आएगा ए, ए के बाद आएगा बी। अब देखो कैसे, पहले तो इस पार्ट को हटा दो, तो ये तीनों कॉमन टाइप के हैं, ऐसे मिल गए। अब यहां लगाओ, यानी जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है वो ग्रुप ही डिसाइड करेगा। अब मुझे बताओ, अब तुम्हें रिजोनेंस नहीं करवाना है, अब ऑब्जर्व करवाना है। अब मुझे बताओ ये NO2 कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है या इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है? हम जानते हैं ये खींचने का काम करता है, माइनस एम, यानी रिजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है। अच्छा, किस पोजीशन से खींचता है? तो ऑर्थो और पैरा से खींचता है, यानी यहां से खींचेगा और यहां से खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो ये परेशान था, तो ये जब परेशान था तो ये इसका इफेक्ट अब इस पे भी आएगा। जब ये ग्रुप इस पैरा पे लगा हुआ है तो ये यहां से खींचने की कोशिश कर रहा है, ये जो है खींचेगा तो ये डिस्टेंस वाइज नहीं खींचता है, ये ऑर्थो से और पैरा से खींचता है, तो इसका इफेक्ट यहां से भी होगा। यानी ये NO2 इलेक्ट्रॉन्स खींच के लाएगा ऊपर से, जब ये खींचेगा तो इस पे थोड़ा सा स्टेबल फील होगा, क्योंकि ये परेशान था। क्यों परेशान था? ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा था। अब देखो यहां पे, ये जो है पहले पता लगाओ कि क्या करता है, ठीक है? अच्छा, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन हो जाए। यहां पर ऐसा मैं करता हूं कि यहां पर प्लस लगा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे, यहां मैं प्लस लगा देता हूं। अब मुझे ये बताओ, ये जो प्लस है इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ये भी खींचेगा, खींचेगा ना प्लस वाला, यहां हो जाएगा माइनस और यहां हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला तो खींचता है, मैं बताया हूं तुम्हें कि प्लस वाला खींचता है, तो ये भी माइनस एम के थ्रू खींचेगा। CH3 हमने हटा दिया और इसमें कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा तुम्हारा, बराबर है क्या? थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, हालांकि आंसर अभी भी ये वाला थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं मैं, तो ऐसे कर लेना, क्योंकि उसमें जो हमने बताया था ये वाला, वो इसमें हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ये हाइपर कंजुगेशन लगेगा, इसमें हम बाद में बताएंगे, टॉलिन में हाइपर कंजुगेशन लगता है। तो ये माइनस एम है, तो इसको हेल्प कर रहा है, और ये माइनस एम है, ये भी हेल्प कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल रिजोनेंस हो रहा है, बराबर है क्या? तो अब इसमें खींचना, इस दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? तो स्ट्रांग है ये, इसका पावर ज्यादा है खींचने का, इसलिए सी मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, और ये भी खींच रहा है तो बी होगा और ये ए होगा। तुम्हारा जो पहले आंसर बोले थे सी ए, बी बिल्कुल राइट था, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, तो यहां पर माइनस ए हमने प्लस लगाया है, तो इसमें सी बी ए हम करेंगे, सी बी ए, ठीक है, सी बी। तुम जो सी ए भी बोले थे बिल्कुल सही था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। अब देखो इसमें तुम जब स्टेबिलिटी ऐसे चेक किए, अब इसी क्वेश्चन में तुमसे एसिडिक कैरेक्टर कैसे पूछेगा, तो मैं दोनों क्वेश्चन साथ में लेके चल रहा हूं। यहां OH हमने लगा दिया फिनोल, और यहां पर हमने लगा दिया OH, और यहां लगा दिया हमने CH2+। अब यहां पर हमने लगा दिया क्या, OH, और यहां लगा दिया NO2। क्वेश्चन लिख लेना। अब मुझे बताना है इसमें एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, क्योंकि इससे इसको भी हम सोल्व कर देंगे। तो मुझे ये बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, CH2+ देगा? नहीं, कल समझाया था तुम्हें, CH2+ जो है वो प्लस वाला, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, कैसे, बॉन्ड तोड़ो ये शिफ्टिंग करो, इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा, रिंग पे क्या आ गया, प्लस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो कल मैं सिखाया था एक ट्रिक, अगर ग्रुप पे प्लस आ जाए, एक ग्रुप पे प्लस आ जाए या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा खींचने का काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट में देने का काम करेगा। अगर CH2 लग गया तो प्लस है तो प्लस खींचने का काम करेगा, थोड़ा इंडक्टिव टाइप से ये अलग है, इस चीज को ध्यान रखना है।
अगर ग्रुप पे प्लस आ जाए और ग्रुप पे डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो खींचने का काम करता है। अब इसी क्वेश्चन में मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, किसका ज्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं मैं, पहले इसका हमें क्या बनाना होगा, कंजुगेट बनाना होगा। अब कंजुगेट हम बना देते हैं, तो कंजुगेट बनाते समय ये एच रिलीज कर देगा, तो ये इसका कंजुगेट हो गया। अब यहां पर ये हो गया हमारा ओ माइनस और ये सी एच टू प्लस। अब यहां से भी एच प्लस रिलीज कर दो और ये हो जाएगा ओ माइनस और यहां हो जाएगा एन ओ टू। यहां हो गया ए बी और सी। अब मुझे इनमें से जो स्टेबल होगा, ए बी सी में से जो स्टेबल होगा, ये कंसेप्ट समझा चुका हूं मैं, जो स्टेबल होगा वही जल्दी से यहां आना चाहेगा और वही ज्यादा से ज्यादा एच प्लस को रिलीज करेगा। तो मुझे ये बताओ यहां से यहां का सफर जल्दी कौन तय करेगा, कौन जल्दी आना चाहेगा। जो जल्दी आना चाहेगा वही एच प्लस को रिलीज कर देगा। तो यहां से यहां ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर हमने निकाला है, तो यहां स्टेबिलिटी जो है सी बी ए की है। सी है स्टेबल, फिर बी है, फिर ए है। ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ये माइनस एम है, ये भी खींच रहा है माइनस एम है, लेकिन दोनों में तगड़ा कौन है, तो ये एनओ टू है। इसमें कुछ नहीं हो रहा, केवल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें खींचने वाला स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये परेशान था, तो परेशानी दूर करने के लिए ये रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है। तो खींचेगा तो सी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका पावर ज्यादा है खींचने का, फिर बी स्टेबल होगा, फिर ए स्टेबल होगा। इनका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, यानी जो आंसर इसका आएगा वही आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आएगा। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर आएगा सी बी ए, सी बी ए। तो हम साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का बदले साथ साथ हम कार्बोएनायन का भी पढ़ रहे हैं, और एक एक चीजें प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। ये चीजें ऐसे बनाने से समझ में नहीं आएगा क्या हम बना रहे हैं, ये चीजें जितना प्रैक्टिस करोगे क्या अप्लाई करना है वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। जो यहां का आंसर होगा स्टेबिलिटी का, वही आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, एसिड और रेडिकल्स चारों लेके चलते हैं क्योंकि चारों का कंसेप्ट एक जैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और टाइप में बता रहा हूं। तो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, रेडिकल्स, एसिडिक, बेसिक अभी बाद में पढ़ लेंगे, और एक रिएक्टिविटी, चारों का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं मिक्सिंग, ठीक है। कंसेप्ट एक जैसा वैलिड होगा। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मस्ट मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट मोस्ट इजिली अटैक्ड बाई एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसका भी कंसेप्ट समझा दे रहा हूं मैं। अब यहां पर जो है वो है सीएल है पहला ऑप्शन, बी है ओएच है फिनॉल है, ठीक है, और सी है यहां पर मैं लगा दू एनओ टू है, और डी है केवल बेंजिंग रिंग है। ध्यान से समझना कंसेप्ट, इसको मैं बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट इजिली अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल है इसको अटैक करना है। अब अटैक करना है तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ये किस जगह में जाके चोरी करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिच हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये वहां जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि बेंजिंग रिंग, पिछले बार ये लिखवाया था कि बेंजिंग रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड है, और मैंने इसे पाई बॉन्ड बना के दिखाया भी था, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड ऐसे बना के मैंने दिखाया भी था, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके ऊपर आके अटैक करता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बताया था रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग। अब ध्यान से सुनो, ये जो है वो यहां लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू यहां इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। अब आगे चल के केवल हमने ऑब्जर्वेशन करना है कौन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और कौन डोनेट करेगा, हमें रिजोनेंस नहीं करवाना है हर बार। ओरिजिनेंस हमने जो सिखाया था तुम्हें ट्रिक, कौन देगा कौन विड्रॉ करेगा कौन डोनेट करेगा, वो केवल ज्यादा जानना है। यहां लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, ये NO2 है ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा माइनस एम, और ये प्लस एम है और ये भी प्लस एम है, ये खींचने का काम करेगा और इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बराबर है। अब ध्यान देना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस एरिया में अटैक करता है, उसका यहां इलेक्ट्रॉन्स रिच है तो ज्यादा बेंजिंग रिंग पे अटैक करता है। अब जब इस एरिया से ये इलेक्ट्रॉन्स खुद ही पैसा चुरा रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ये वहां नहीं जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो हम उस ग्रुप को ढूंढेंगे जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, इसको और रिच बना रहा है। पहले से तो रिंग इलेक्ट्रॉन्स रिच है ही, इसको और एक्टिवेट कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स और दे रहा है। जब ये OH नहीं था तो मान के चलते इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, और जब OH लग गया तो ये रिजोनेंस के थ्रू और इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी मान लेते हैं 300 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ा देगा तो 400 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। पहले इसके पास 100 रुपए थे, अब 400 रुपए हो गए। अब ये क्या करेगा, उस जगह पे जल्दी अटैक मारेगा, यानी अटैकिंग का अगर कंसेप्ट हमें सोचना है तो ये सोचना होगा इलेक्ट्रोफाइल के कंसेप्ट में कि कौन रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच कहां ज्यादा है, जहां रिंग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उस पे अटैक जल्दी होगा, तो हमें इसी चीज को पता लगाना है। अब ये देने का काम कर रहा है, ये भी देने का काम कर रहा है, और ये खींचने का काम कर रहा है, बराबर है क्या, और इसमें कुछ भी नहीं है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही होगा, इसका मतलब बी पे अटैकिंग सबसे फास्ट होगा। बी पे अटैकिंग क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। यहां पर एक दूसरा ग्रुप लेते हैं क्योंकि इसमें प्लस आई भी आता है, यहां सीएल हटाते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं OCH3 लेता हूं, बराबर है OCH3 लेता हूं, यहां भी लोन पेयर ये देने का काम करेगा, ठीक है हमारा कंसेप्ट वही रहेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम कर रहा है, इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अब ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो दोनों में से पावर किसका है ज्यादा देने का, तो मैं तुम्हें पिछले क्लास में लिखवाया था OH इज ग्रेटर देन OR, OH का पावर ज्यादा होता है देने का और OR का कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां रिच ज्यादा हो जाएगा और वो तुरंत अटैक मारेगा। तो ये यहां पर बी सबसे ज्यादा अटैक होगा, फिर ए पे होगा। अब बात रहा इस पे और इस पे, तो अगर इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे और ये खींच रहा है तो खींचने के बाद क्या हो जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मान लेते हैं, तो इसके पास तो 100 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिच, इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है, तो डी उसके बाद लास्ट में सी आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मैं लिखवाया था प्लस एम इज इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बराबर है क्या, प्लस एम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसी को एक्टिवेटिंग बोलते हैं, ये रिंग को और एक्टिवेट कर दिया रिएक्शन करने के लिए, ये भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि ये और खींच के इसकी रिएक्शन को कम कर दे रहा है। ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, अब बात रहा कि अटैक कहां करेगा इस पे, तो ये ऑर्थो और पैरा पे करेगा, तो इसके कंसेप्ट हम आगे समझाते हैं, ठीक है एक दो डाउट्स हैं वो ले लेते हैं, इसको बनाओगे। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है,
स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? ए बी सी डी में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, किसका कम है? अभिषेक, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? बी डी ए सी, अहमद, बी डी ए सी। चलो चेक करते हैं, पहला है सी एच 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 माइनस, सेकेंड है सी सिक्स एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव यही है ना रिंग, ये सी माइनस यही है, हाइड्रोजन हटा देते, सी ऑप्शन, सी सी और सी सी एच थ्री सी एच थ्री, डी ऑप्शन सी माइनस सी ये है, बाकी काम हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब मुझे ये बताओ कि किसमें तुम पहले चुनो, ये कैसा ग्रुप है, क्या करने वाला है, तो तुम्हें ग्रुप को पहले चुनना पड़ेगा कि ये क्या काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देने का काम करेगा, तो ये प्लस आई का काम करेगा, तो पहले आप ये डिसाइड करो कि जो उसके साथ ग्रुप लगा हुआ है कार्बोकेटाइन के साथ या कार्बोएनायन के साथ, उसको पहले आप आइडेंटिफाई करो कि वो ग्रुप कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स खींचता है या देता है, पहले पता लगाओ। और जब देता है तो किसके थ्रू देता है, रेजोनेंस के थ्रू देता है या हाइपर के थ्रू देता है या इंडक्टिव के थ्रू देता है। तो हमने पता लगाया कि ये जो ग्रुप है वो देने का काम करेगा यहाँ पे, और किसके थ्रू देने का काम करेगा, प्लस आई के थ्रू। तो एक तो परे से परेशान था, अब अपने कंसेप्ट पे आ जाओ, तुम आइडेंटिफाई कर लिए ग्रुप कैसा है, तो ग्रुप इसको देता है इलेक्ट्रॉन्स, देने का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सी एच थ्री प्लस आई का काम करता है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी भी आता जाएगा, कि याद भी होता जाएगा हमारा। अब हमने समझ लिया, अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। सी माइनस है यानी उस पर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो परेशान है किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, और ये इसकी परेशानी और बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, इसके बारे में सोचो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और देने लगेगा तो ये तो और परेशान हो जाएगा, ये तो और क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बराबर है क्या। तो ये परेशानी अब इतना सोच के आगे बढ़ जाओ। अब यहां पर ये जो है हम नहीं, हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट ज्यादा नहीं करते, तो कुल मिला के ए और सी में, ए और सी में ए ज्यादा स्टेबल होगा और सी कम स्टेबल होगा। ऐसे भी हम ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन एक ऑप्शन अक्सर इलिमिनेट हो जाएगा कि ए इज मोर स्टेबल देन सी, क्योंकि ये दे के परेशान कर रहा है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है हम नहीं के बराबर बोलते हैं कि नहीं देता है। अब हम बात करते हैं बी और डी का और इसमें कंपेयर कराएंगे। अब ये जो माइनस है, ये माइनस यहां रेजोनेंस में है, डबल सिंगल और निगेटिव, और जब रेजोनेंस होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, आएगा ना, इसका मतलब ये जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, यहां भी डबल सिंगल और रेजोनेंस है तो यहां भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। पहले हम पता लगाएंगे तब हम स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, पहले इसके बारे में पता लगा लो, दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है तो किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो कुल मिलाकर हम ये डिसाइड कर लिए कि बी इज मोर स्टेबल देन डी, ठीक है, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस हो रहा था तो रेजोनेंस होने से उसकी स्टेबिलिटी आ रही थी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना स्टेबिलिटी आएगा, तो यहां रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी आएगा, बरोबर है। बी और डी हमने डिसाइड कर लिया, अब हम कंपेयर कर देते हैं सी से। अब यहां यहां जो है इंडक्टिव है और यहां रेजोनेंस के थ्रू हेल्प हो रहा है इसको, ये रेजोनेंस जो होके इसको हेल्प हो रहा है, यानी ये तो दोनों पीछे ही जाएंगे और रेजोनेंस जब हो रहा तो आगे ही निकल जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव पे रेजोनेंस भारी पड़ता है। तो बी इज मोस्ट स्टेबल देन डी देन ए देन सी, बी डी ए सी जो भेजे हो बिल्कुल करेक्ट भेजे हो। अश्विनी करेक्ट करो, यहां रेजोनेंस हो रहा है उससे ज्यादा यहां रेजोनेंस हो रहा है, सिद्धि का सही है, जैस का भी सही है।
सर पीएच तो फिर इलेक्ट्रॉन देगा ना, कैसे देगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, रेजोनेंस करवाओ। तुम्हें एक चीज ट्रिक सिखाया था मैंने, जब यहां पर माइनस है, एक चीज ट्रिक सीख लो मेरे से, जहां यहां पर माइनस है तो बताओ रिंग में ये जो ग्रुप रिंग के इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा, मुझे ये बस बता दो। तो हम बोलेंगे ये रिंग को देगा। हमने तुम्हें ट्रिक सिखाया था कि एक ग्रुप पे अगर ग्रुप पे माइनस है या लोन पेयर है तो हमेशा देने का काम करता है, और अगर यहां पर ग्रुप पे प्लस है और डबल बॉन्ड है तो खींचने का काम करेगा। अब ध्यान दो, रेजोनेंस करवा के देख लो, यहां पर इसका रेजोनेंस करवाओ, तोड़ो इसको, तोड़ के यहां क्या लाओगे, प्लस, शिफ्टिंग इधर जाएगा, यहां माइनस आएगा, आएगा ना। अब डबल प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बना दो। तो मुझे ये बताओ कि यहां डबल बॉन्ड बनाए, यहां माइनस आ गया, आया ना। तो रिंग ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने तरफ ला रहा है। तो रिंग तुम बोलो पीएच तो दे रहा है, कहां दे रहा है, तो खींच रहा है, रिंग पे माइनस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, यानी यहां जो माइनस लगा हुआ था अब वो माइनस को अपने तरफ खींच रहा है। देखो तो रिंग पे माइनस आने का मतलब खींच रहा है, और रिंग पे प्लस आता तो क्या होता, दे रहा होता है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही है ना, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन्स है कुल सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर 500 इलेक्ट्रॉन्स है, 500 है अभी यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ रहा है तो कहां से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 500 के 500 ही तो फिक्स रहने वाला ही है, 500 इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स माइनस कहां से आ गया, तो ऊपर से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर से हो रहा होगा नीचे की तरफ, इसका मतलब ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो हो रहे होंगे, नीचे, तो ये थोड़ा इसकी परेशानी दूर हो रहा होगा। समझ में आया क्या, तो बस इतना ही तुम्हें जानना है कि रिंग पे क्या आ रहा है, तो रिंग पे माइनस आ रहा है मतलब खींच के ला रहा है। क्लियर हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें जितना क्वेश्चन करवाएंगे उतना ज्यादा तुम्हें उसमें क्लियरिटी आएगी, क्योंकि इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करने पे ही क्लियरिटी आती है, तो यहां पर प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस में चलो और कुछ कुछ अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, वही क्वेश्चन करेंगे हम। अब यहां पर मुझे ये बताओ, पहले ओ माइनस लगा देता हूं मैं, और यहां NO2 लगाता हूं। पहले तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक का थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूं, यहां ओ माइनस और यहां लगा देता मैं OCH3, ठीक है, और यहां पर है ओ माइनस और यहां पे लगा देता हूं OH, ठीक है, और यहां पे मैं ओ माइनस है, ठीक है, और यहां पर मैं लगा देता हूं क्या NH2 लगा देता हूं, बराबर है। अब मुझे ये बताओ ABCD में, सारे टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे, मुझे बताओ ABCD में स्टेबल कौन है, ABCD में स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल कौन है। अब कैसे चेक करोगे, इसकी परेशानी को दूर करना है, ये नेगेटिव जो है नेगेटिव पे हमें फोकस करना है, बाकी चीजें पे तो हमें दिखेगा नहीं ना। अब ये नेगेटिव को परेशानी को कौन दूर करेगा, ये ग्रुप, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारा, यही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा ग्रुप उस माइनस के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मोस्ट स्टेबल क्या होगा, सीधी मोस्ट स्टेबल तेजस का सही है, सिद्धार्थ का भी सही है, मुक्ता का भी सही है, इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन होगा, मोस्ट स्टेबल कौन होगा मुझे बताओ। अब ये देखो कैसे चेक करेंगे, ये परेशान था सब, डिसाइडिंग फैक्टर समझ में आ गया ये है, अब परेशान था वो,
तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींच के लाएगा, अब तुम इस ग्रुप के बारे में बताओ ये ग्रुप क्या काम करता है, बस इतना ही जानना है तुम्हें, रेजोनेंस वगैरह नहीं करवाना है तुम्हें, बस एनालिसिस करना है, उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना मस्ट है। और दो चार दस क्वेश्चन में करो आइडेंटिफिकेशन, सारा क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ ये क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, किसके थ्रू खींचने का काम करता है, रेजोनेंस या मेसोमेरी के थ्रू, यानी माइनस एम का काम करता है। यहां लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है तो ये प्लस एम का काम करेगा। यहां लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, अगर नहीं भी याद है तो मैं तुम्हें ट्रिक भी बताया हूं, देने का काम करता है। एनएच टू पे लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है। कल मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस लिखवाया था कि प्लस एम का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है और किसका कम है, बराबर है। तो उसमें आप मेरे को यह बताओ कि देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है। सबसे ज्यादा पावर मैं लिखवाया था ओ माइनस का, एन एच टू का, एन एच आर का, एन आर टू का, और बीच में मैं ओ एच का, फिर ओ आर का, ये मैंने कल सीक्वेंस लिखवाया था, ठीक है। ये देने का काम करता है, ये देने का काम करता है, ये देने का काम करता है। पहले इसमें हम डिसाइड कर लेंगे देने में एक्सपर्ट कौन है ज्यादा। तो इनका पावर सबसे ज्यादा है देने का, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा ये फ्लो करवाएगा, और इसमें से ये जो है सेकेंड नंबर पे है और ये जो है थर्ड नंबर पे है, ओ आर, ओ सी एच थ्री, ओ आर है ये, ठीक है। अब यहां पर ये खींचने वाला है, अब ये हमें समझ, अब हम आते हैं कंसेप्ट पे अपना, कि ये जो ग्रुप है वो देता है तो परेशानी तो बढ़ जाएगा इसकी, ये परेशानी बढ़ जाएगा, ये परेशानी बढ़ा देगा लेकिन ये परेशानी को घटाएगा। तो ए इज मोस्ट स्टेबल, अब देता है ये, तुम्हें बाकी रेजोनेंस वगैरह नहीं करवाना है, तुम्हें एनालिसिस करना है बस, ये देता है, ये देता है और ये देता है। तो देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है, ये है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा परेशान कर देगा इसको, कि ये जब देगा किसके थ्रू देगा इलेक्ट्रॉन, और ये पैरा पे है, ध्यान देना, ये भी ध्यान देना, ये पैरा पे है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स देगा यहां पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो इसको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करेगा तो ये सबसे खराब हो जाएगा। तो ये दे के तो परेशान कर रहा है लेकिन देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट ये, तो इसलिए सबसे खराब हो जाएगा। पावर सबसे कम किसका है, बी का, फिर सी का, बराबर है, ए बी सी डी, जितना ज्यादा देगा उतना ही वो परेशान होगा। यहां इसका पावर ज्यादा है देने का, तो देगा तो परेशान हो जाएगा, ये कम देगा, ये मान के चलते 100 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 200 देगा, ये 300 देगा, और ये और खींच लेगा, तो ये खींचना अच्छा बात है ना, देना अच्छा बात नहीं है। एबीसीडी इज द राइट आंसर, ओके। तो ऐसे आपको करना है, रेजोनेंस केवल रेजोनेंस ऑब्जर्व करना है कि रेजोनेंस हो रहा है, और उसके थ्रू तुम्हें उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, एसिड निकालना हो, बेस निकालना हो, या कार्बोकेटान का स्टेबिलिटी चुनना है, या कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी चुनना है, तुम्हें उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करता है, और वो किसके थ्रू देता है, रेजोनेंस के थ्रू या हाइपर के थ्रू या इंडक्टिव के थ्रू, ठीक है। तो वो चीजें हमें समझ में आ जाता है प्रैक्टिस करने पे, ऐसे थ्योरी लिख के रखोगे तो नहीं आएगा। अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को मैं, ये भी लिख लेना क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं आपसे कि यहां पर NO2 है और यहां पर OH लगा दो फिनॉल, और यहां पर लगा दू मैं फिनॉल OH, और यहां लगा दू OCH3, और यहां पर मैं लगा दू OH, और यहां पर लगा दू OH, ठीक है। इसको क्या करता हूं, एक OH को हटा देता हूं, यहां पर बस NH2 लिख देता हूं, ठीक है, इसको हटाता हूं। अब मुझे ए बी सी में ये बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें एक लाइन में करना है, यहां से ओ
एच हटाना है, माइनस लगाना है, एच हटाना है, माइनस लगाना है, एच हटाना है, माइनस लगाना है, यही काम तुम करोगे। अब बताओ मुझे स्टेबल कौन है इसमें? तो ए ज्यादा स्टेबल है, ये देने में एक्सपर्ट है, ये कम देगा, तो बी अदन देन सी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, और यही ऑर्डर होगा क्या एसिडिक, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अपना एच प्लस जल्दी लूज करके ये बनना चाहेगा। तो इसमें जो स्टेबल होगा वही जल्दी लूज करेगा एच प्लस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब तुम्हें एसिडिक चेक करना होगा तब तब तुम एच हटाओगे और वहां माइनस लगाओगे और माइनस का स्टेबिलिटी चेक कर लोगे, बस हमारा आंसर एसिडिक आ जाता है। बाकी रहा और इनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, वो अलग है, बट हमारा बेसिक फंडा यही है, उसका कंजुगेट बनाना है और चेक कर लेना है। ओके?